सलाम अलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज जो हमारा प्लान है वो आपको असेंबली से पता लग गया होना। मेरी बर्थडे आज, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश हूँ। फाइनली मेरी बर्थडे आ चुकी है कल, तो आपको पता लग जाएगा कि मैं कितने साल का हो गया हूँ रात को जब हम सेलिब्रेट करेंगे। क्योंकि ये व्लॉग आज 4 अगस्त है, कल 5 अगस्त है, 5 अगस्त को सालगिरह, 4 अगस्त आ जा। तो ना हमने 2 दिन का व्लॉग बनाना, 4 अगस्त का भी 5 अगस्त का भी, क्योंकि 4 अगस्त की रात को हमने सेलिब्रेट करना है और 5 अगस्त को टोटल बड़ा सेलिब्रेट करना है, वो भी आपको दिखाएंगे दोनों इसी व्लॉग में। ठीक है, सॉन्ग वगैरह वाला कोई सीन नहीं है, बस यही होगा अगले दिन ट्रीट शीट होगी, बस खाना पी लाना, बस सॉन्ग वाला कोई सीन नहीं है, ना इवेंट पार्टी पुलटी, क्योंकि मुहर्रम चल रहा है, रिस्पेक्ट मुहर्रम सबसे पहले। ठीक है, तो अभी रात को करनी है सेलिब्रेशन, तो अभी ना बाल शाल बड़े खराब हो चुके हैं, ठीक है, बहुत बड़े हो चुके हैं। ठीक है, तो अब हम कराएंगे कटिंग, तो अभी हम जाएंगे कटिंग कराने, तो उधर जाएंगे, फिर मिलते हैं कटिंग वाली दुकान पे। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो कटिंग शटिंग कराने आ चुके हैं, कटिंग शुरू होने लगी है, ये भाई कटिंग करने लगा है। कटिंग शटिंग हो चुकी है, देख सकते हैं आप, आपने यही कहना कि कटिंग हुई नहीं, वैसे के वैसे बाल है, बस ट्रिमिंग कराने थी थोड़ी सी, तो वो हो चुकी है। तो यार पहले ना बहुत फर्क बाल हो गए थे, जंगलियों टाइप लग रहा था, अब थोड़ा सही लग रहा हूँ फिर, यार पहले से बहुत बेहतर हूँ, है ना ना, तो मैंने सोचता ना माशाल्लाह जरूर लिखना, तब मिलते हैं घर से आगे। तो कटिंग शटिंग हो चुकी है, तो अब आ चुकी हूँ मैं, तो ना अब मैं बाल ना कटिंग हो गई है, सिफारिश बड़ी होने लग गई है, बाल ही बाल है, ये देख सकते हैं कितने बाल हैं, देखें। तो अब हम नहाएंगे, तैयार रेडी शेडी होंगे, ठीक है, तो अब हम रेडी शेडी होने लगे हैं, तो फिर मिलते हैं रेडी हो गए। जैसा कि आपको पता था मैं रेडी होने जा रहा हूँ, मैं रेडी हो के आ चुका हूँ, ठीक है, 4 बज चुके हैं, तो दोपहर अब कुछ करना भी नहीं है, अब इधर जाना भी नहीं है, तो अब मिलते हैं रात को, जब बर्थडे प्री बर्थडे जब सेलिब्रेट करने लगेंगे फैमिली के साथ, तब मिलेंगे, तब तक के लिए ओके, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। अस्सलाम गाइस, जैसा कि आपको पता है कल अहमद की सालगिरह, तो रात के 11 बज गए, तो 1 घंटा रह गया फिर उसकी सालगिरह, तो हम फैमिली ने सेलिब्रेट करने छोटा सा करने, तो केक लाना है एक और साथ बलून वगैरह ये चीज़ें, और मैंने अपने बड़े भाई के साथ जाना, वो अभी गया हुआ है बाइट दोस्त का, तब तक उसके आने से पहले हमने सजा लेना है, तो अब हम जा रहे हैं उधर, वहाँ जा के मिलते हैं भाई। पहले मैंने आपको कहा था कि हम केक लेने जा रहे हैं अहमद की सालगिरह के लिए, तो गाइस हम आ गए हैं, ये देखें मीट बैकरी, तो गाइस अब हम अंदर जा गए केक लगवा के, ओके अंदर हम आ गए हैं, तो हम केक लगवा रहे हैं, केक पे नाम लिख दे, लिख दे हैप्पी बर्थडे अहमद, लिख दे अहमद या HBD अहमद। हमने केक लगवा लिया, उसके ऊपर नाम भी लगवा लिया, तो अब हम ना वो बलून वगैरह सजाना तो है ना, बलून वगैरह और पार्टी पेपर वगैरह ले रहे हैं, तो अब मिलते हैं घर जाके। तो गाइस हम घर आ चुके हैं, हम सारा सामान ले आए हैं, तो अब हम तैयार करने लगे मैं और मेरा बड़ा भाई, अभी तक वो बाहर ही है, उसको हम फोन कर देंगे अंदर घर आ जाए, तो ठीक है अब हम सजाते हैं। तो मैं आ चुका हूँ घर, मैंने छुपके से देखा कि ना मेरी बर्थडे का सेटअप लग रहा है कमरे में, ठीक है, मैंने आपको सुबह भी बताया था हल्का फुल्के सीन है, खत्म हो रहा है, मैं इस वजह से नहीं खा रहे इतनी बड़ी, तो सीन चल रहा है, 12 बजने में सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं, ठीक है, अब हम ऊपर जाते हैं, देखते हैं क्या है, बस अब मुझे कमरे में तो जाने नहीं देंगे, ठीक है, तो फिर जब वो अंदर बुलाने 12 बज जाएंगे, तब जब हम अंदर जाएंगे तब मिलते हैं।
तो यार मैं आ चुका हूँ, वो अब मुझे कमरे के अंदर जाने ही नहीं दे रहे, वो कह रहा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, 12 बजने ही लगे हैं, तो अब हम क्या कर सकते हैं। तो मैंने सोचा यार शर्ट शर्ट चेंज कर लेते हैं, मैंने शर्ट चेंज कर लिया, ठीक है। तो 12 बज चुके हैं, ठीक है। तो अब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, रूम देखना है मैंने, ठीक है, देखते हैं उन्होंने कैसा सेलिब्रेशन किया कि नहीं। अंदर चलते हैं, पूरे 12 बज चुके हैं, अब अंदर चलते हैं। अंदर आ चुके हैं, हैप्पी बर्थडे कर दी है, अब हम करते हैं काटते हैं केक। आ जाएं आप, चलें गाइस आप भी हैं, जल्दी खा लिया हमने फैमिली के साथ, कर लिया सेलिब्रेट, आपने देख लिया होना, ठीक है। तो अब हम क्या खाएंगे, फिर सो जाएंगे। तो जो असल बर्थडे है ना, जो ट्रीट है, वो आप कल देनी है, ठीक है, वो भी इसी ब्लॉग में होगा। आपको मैंने सुबह बताया था कि 2 दिन का ब्लॉग है, 4 अब कल 5 का सारा आपको वो भी दिखाएंगे, ठीक है, दोस्तों को ट्रीट देनी है। तो मिलते हैं फिर सुबह उठ के, तब तक के लिए बाय बाय, ओके, अल्लाह। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक। तो यार मैं अभी अभी उठा हूँ, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो अभी भी मूड हो गया, आगे कैमरा पकड़ लिया, तो अब मैं उठ चुका हूँ। तो जो रात को सेलिब्रेट किया था सही हो गया था, इवन मैं सो गया था, फिर रात को जल्दी 1 बजे सो गया था, अभी अभी उठा हूँ, 11 बज रहे हैं इस टाइम। जब मैं के लिए यार रेडी होते हैं, फिर करेंगे नाश्ता, ठीक है, पहले होते हैं जब मैं के लिए रेडी, तो मिलते हैं रेडी हो गए। मैं रेडी शेडी हो चुका हूँ, ठीक है, देख सकते हैं आप। आज मैंने नया सूट पहना क्योंकि मेरी सालगिरह है वो, तो अब रेडी हो गया, जुम्मा शुम्मा मैं पढ़ आया हूँ, ठीक है, मुझे याद नहीं रहा सीन सून लेना। तो अब हम नाश्ता करने लगे हैं, मगर मेरा ख्याल है कि ना ऊन समान शायद डंडे मार दें, मुझे आने लगे हैं, तो मेरा मैं कहता हूँ पहले कपड़े चेंज कर लें, चले फिर हम कपड़े चेंज करते हैं। तो मैंने कपड़े शपड़े चेंज कर लिए हैं, ठीक है। तो अब पता नहीं क्या कब आते हैं, वो रास्ते में तो मुझे मिले थे, तो अब देखते हैं कब आते हैं। बस यार डर ही है, मैं भाई मैंने सूट पहना होने यहाँ, तो वो आ जाए तो अंडे मार, सूट खराब ना हो जाए, इसलिए मैंने कपड़े चेंज कर लिए। अब हम नाश्ता भी ऐसे ही करेंगे, जब जाने लगेंगे घूमने शूमने, खाने पीने तब पहन लेंगे। तो अब देखते हैं जब वो आते हैं तब मिलते हैं, तब तक के लिए ओके। तो सामान उन्होंने अभी तक नहीं आया, ठीक है, मतलब इंतजार कर था, तब तक वो नहीं आया, तब नाश्ता आ गया, वो करते हैं नाश्ता, फिर मिलते हैं। क्यों मैं उस्मान उस्मान को फ़ोन किया, डंडे वंडे वाला प्लान कैंसिल है, कोई नहीं मारते मुड़ते अंडे शंडे, ठीक है। अब हम दोबारा कपड़े चेंज करते हैं, वो थोड़ी देर तक आने लगे, फिर हम जाने लगे हैं, ठीक है। तो अब हम कपड़े चेंज करते हैं, फिर मिलते हैं। तो ये लोग मेरे पास आ चुके हैं, अब हम शायद जा रहे हैं किंग मॉल, ठीक है। तो जी हम लोग नीचे आते हैं, तब तक के लिए निकालते हैं पिशावरी चप्पल, कितना 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 ये पड़ी है पिशावरी चप्पल, अब इसको हम निकालते हैं, इसको अभी शाइन भी करने हैं, इसको शाइन करके ना पहन के फिर मिलते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं किंग मॉल के अंदर, ये उसके पार्किंग एरिया में खड़े हैं, ठीक है, ये मेरे पीछे ही है सारा कोई। तो अब हम यहाँ से ऊपर जाएंगे, तो आपको भी दिखाते हैं, लोग इधर आए हैं, ठीक है, ये सीन हो गया हमारे साथ, वो अब हम अंदर ही नहीं जा रहे, वगैरह फैमिली ले जाए, तो ये चीज़ें लड़ी हैं, वो चीज़ें लड़ी, अंदर नहीं बढ़ने दे रहे हैं अब, और ये लोग सारे मेरे साथ, अब हम एक जुगाड़ लगाने लगे, चिप से चढ़ने लगे हैं। बाबा जी हम लोग अंदर आ चुके हैं, ठीक है, तब फिल्मों का सीन होगा आपको दिखाया, फिल्म हम लगने लगी है, देखते हैं, अब फिल्म लग चुकी है, हमेशा लेट ही आते हैं सब की तरह, ठीक है, 4 बजे फिल्म लगेगी, 5 बजे आ गया, अब हम सीन होने लगा, टिकट का देखने गया, और टिकट शिकट मिल चुकी है, अब हम फिल्म देखने जा रहे हैं। आ जाओ एक शेर सुनाऊं ताज, डिस्करेज ना कर पट्टी, बॉर्डर आता तो आपको मिलते हैं अभी तक भाई, ये टिकट पीछे करो यार, कोई गल कर लो यार, बर्थडे व्लॉग है मेरा, और पहली बर्थडे है जिसमें मुझे अंडे और वो नहीं पड़े है, कोका कोला बोतलें जो सेलिब्रेट करता है वो नहीं पड़ी, अब कहते हैं कल मारेंगे, अब देखिए कल बजते हैं, करिए अगर कल बजी तो कल का सीन इसमें डाल देंगे, वरना आज ही ब्लॉग एंड करके
खत्म तो अब ऑर्डर आ रहा देखे क्या क्या हो गया यार भाई जब भी आते हैं बड़े बर्गर ही खाते हैं। और आपने बोला था गिफ्ट गिफ्ट भी आपको एंड पे दिखा देंगे क्या क्या दिया उन्होंने अभी तक तो दो जनों ने दिया उन्होंने सामान ने अजान को बुलाया था अजान साहब भाई आए ही नहीं है अब देखते हैं फिल्म हमने देखी फिल्म बड़ी मजे की थी यार बहुत मुश्किल से वो मैंने छोटे मोटे सीन बनाए हैं वो भी नहीं थे बनने क्योंकि वो जाते साथ इसने कह दिया कैमरा नॉट अलाउड जब वो कुछ लेने गया ना उनका बर्गर खाने पीने के लिए पॉपकॉर्न वगैरह वगैरह तब हमने छोटा मोटा सीन लिया वो आपने पीछे देख लिया होने और हम हमेशा की तरह हर जगह लेट ही पहुँचते हैं मूवी लगनी थी 4 बजे और हम गए हैं 4:30-5 बजे उधर अंदर भी आके बैठे हैं तो अब 7:15 हो गए हैं फाइनली फिल्म ख़त्म हो चुकी थी अब हम आ गए हैं थक हार के बहुत बैठ बैठ के थक गए थे ऊपर से क्या सीन हुआ यार ठंड बड़ी लग रही थी अंदर इसी फुल थे तो क्या कर सकते हैं बैठ गए अब मोटर पे लेने भेजा सामान भाई साहब आज की रात ऑन और सामान साहब आज की रात आज तो खा लेंगे 7 बज चल रहे हैं ये शोर को इग्नोर करे जो पीछे हो रहा है ठीक है आ जाओ भाई सामान साहिब चले फिर ऑर्डर आता है तब मिलते हैं खाना शाना आ चुका ठीक है अब हम खाने लगे हैं खाना बहुत लेट भाई है सामान और ऑन भाई साहब बहुत लेट लेके आए हैं ठीक है अब हम खाने लगे हैं तो खाना खा के मिलते हैं तो मैं कई माह से हुआ है खाना शाना खा लिया अब मैस करीम खाने आए हैं दिनों आ चुके हैं वो दोनों अभी तक नहीं आए वो दोनों आते हैं तब की तब देख उस्मान ऑन लोग भी आ चुके हैं मैं आइसक्रीम खाने फटा हो चुका है वो कह रहा मैकडोनल्ड की आइसक्रीम खानी है भाई साहब कह रहे हैं एक्स्ट्रा की खानी है देखो हम कितनी खाने हैं अभी दो बंदे उधर जाएंगे और हम 3 इधर जाएंगे तो भाई आइसक्रीम लगवा लिया मैं आइसक्रीम खा रहे हैं आइसक्रीम खा रहे हैं बैठ जाके बैठने का पता चलिए तो हम लोग घर आ चुके हैं आइसक्रीम खा के मैंने आपको माल में बताया था कि ओन और उस्मान ने मेरा गिफ्ट दिया है ठीक है तो ये उनके दोनों के गिफ्ट है ठीक है तो वो मैं आपको खोल के बताया था क्या क्या दिया है बड़ी कमाल की प्यारी है अमन भाई गिफ्ट दिया समान का गिफ्ट ओपन करते समान साहब ने भाई साहब ये पेंट दिया देख सकते हैं आप माशाल्लाह यार प्यारी है दोनों ने अच्छा गिफ्ट दिया दोनों का माशाल्लाह थैंक्स हो गया आपका थैंक यू दोनों का गिफ्ट देने के लिए अब ओके गिफ्ट शिफ्ट भी आपको दिखा दिया जो आपको पहले बोला था गिफ्ट शिफ्ट दिखा दिए तो अब हम लोग घर आ चुके हैं सब कुछ खा लिया ठीक है ये भी मेरे साथ ही हैं ये सारे ये भी है तो अब हम व्लॉग को इधर ही एंड करते हैं इस व्लॉग को उम्मीद है आपको मजा आना नहीं बहुत मजा आया ठीक है बर्थडे व्लॉग कमाल हो गया तो अब हम जा रहे हैं क्रिकेट क्रिकेट खेलने वो तो अब दिखाएंगे नहीं क्योंकि फायदा फूदा आया नहीं तो इस व्लॉग को इधर ही एंड करते हैं अल्लाह हाफिज़।